करुरुरी जय जयकार मैं सिमरन भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ देवलोक प्रेजेंस आपकी आवाज में समस्या आपके गांव की या आपके शहर की समस्या आपके गली की या आपके वार्ड की जो अक्सर हो जाती है अनसुनी पर अब नहीं होगा ऐसा क्योंकि हम बने हैं आपकी आवाज और हमारे आज के मेहमान हैं देवभूमि कुल्लू के राजा अठारह करोड़ों के कारदार पूर्व सांसद एवं विधायक महेश्वर सिंह जी नमस्कार मैडम सर्वप्रथम मैं आपका और देवलोक चैनल के सभी यहाँ प्रतिनिधियों का जो आपके साथ आए हैं अपने इस निवास स्थान पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ महोदय मैं आपके सामने इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी अपने कार्यक्रम की भूमिका बांधना चाहूँगी महोदय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि आपकी आवाज़ इसमें हम जनता के बीच जाते हैं उनके सवाल कई हमें वीडियो के माध्यम से मिलते हैं कई उनके बीच जाकर हम खुद उनसे बातचीत करते हैं उन सवालों को लेकर आते हैं और लोकसभा चुनावों का दौर है तो इस समय हम सभी प्रतिनिधियों के बीच जाकर चुनावी हाल है वो पता कर रहे हैं तो महोदय आज इसी बीच हम आपके समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करें पर इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश तक पहुँचेगा तो महोदय ऐसे तो कोई भी नहीं है या फिर मैं कहूँ कि परिचय के मोहताज नहीं है परंतु फिर भी हम चाहेंगे कि अपना छोटा सा राजनीतिक परिचय आप हमारे दर्शकों को दे कि आपका राजनीतिक सफर कब और कहाँ से शुरू हुआ मेरा राजनीतिक सफर जी एक नगर पंचायत के सदस्य के रूप में शुरू हुआ है जी पहले मैं यहाँ से वार्ड मेंबर चुना गया और मैंने नगर पंचायत में हार्डली तीन वर्ष पूरे किए थे तीन चार जी उसी समय विधानसभा का चुनाव आ गया जनता पार्टी का जन्म हुआ था और मुझे जनता पार्टी का टिकट मिला और मैं 26 वर्ष की आयु में यहाँ से बंजार क्षेत्र से विधायक चुना गया जी तत्पश्चात मैं तीन बार विधायक रहा और नाइन्थ लोकसभा में मुझे लोकसभा का चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में टिकट मिला जी और उस समय के एक अत्यंत प्रभावशाली नेता जो आज भी हैं पंडित सुखराम जी उस समय सिविल सप्लाईज मंत्री केंद्र में थे इनसे मुझे जीत हासिल हुई थी और मैं फिर उसके पश्चात तीन बार लोकसभा का सदस्य रहा जी जब अटल जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया उन दिनों में भी मैं सांसद था जी। एक चुनाव में मैंने कौल सिंह जी का मुकाबला किया और ये सीट एक लाख उनतीस हजार वोटों से जीती जी। रानी प्रतिभाजय का भी कांग्रेस के कैंडिडेट वो थे मैं भारतीय जनता पार्टी का था एक लाख बत्तीस हजार से मुझे लोगों ने यहाँ इस सीट से आशीर्वाद दिया था मंडी संसदीय क्षेत्र से उसके पश्चात श्रीमान वीरभद्र सिंह जी के विरुद्ध भी मुझे पार्टी ने खड़ा किया ये उस समय की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी आज भी जी इनसे केवल और केवल चौदह हजार वोटों से मैं हारा ये सात हजार वोट मेरे लिए कोई ज्यादा नहीं था जी और इसका हार का कारण मेरे मतदाता नहीं कुछ लोगों ने भीतरघात किया जी। और भीतरघात का मैं शिकार हो गया अगर साढ़े सात हजार वोट मिल जाते जो कोई कठिनाई नहीं थी तो वीरभद्र जी को भी उनके विरुद्ध भी मैं चुनाव जीत सकता था जी तत्पश्चात मैंने अपनी पार्टी के पास गुहार लगाई कि इसकी छानबीन की, की जाए जी। जब अपने ही घर के लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा निर्णय नहीं किया गया सबको पता होते हुए भी फलस्वरूप दुखी होकर पार्टी से इस्तीफा देकर जी। मैंने निर्दलीय विधायक के रूप में समझ लीजिए आप एच की पार्टी का गठन किया जी। दूसरे के घर में घुसा नहीं अपनी झोंपड़ी में बैठा और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया फिर से मैं विधायक चुनाव गया और विधायक बनने के बाद मुझे बहुत कहा गया कि कांग्रेस में आओ आपको कोई पद दिया जाता है दो साल वो लगातार इस बात को कहते रहे मैं मैंने स्वीकार नहीं किया मैंने कहा जब मेरा आपकी नीतियों में विश्वास नहीं है मैं अपने घर से रूठा हुआ व्यक्ति हूं जाऊंगा तो घर में जाऊंगा या फिर यहीं गुजारा करूंगा मुझे कहीं नहीं जाना है पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व में मुझे बहुत कहा बुलाया मैं कि बुलाया बुलाया तो मैं गया नेताओं ने कहा कि आपको हम यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाहते हैं आप आ जाइए घर वापस आ जाइए मैंने एक ही निवेदन किया कि अब मैं गुण और दोष के आधार पर कांग्रेस सरकार को वीरभद्र जी को समर्थन दे रहा हूँ और मेरी अंतर आत्मा इस बात को नहीं मानती कि इतना मैं अपॉर्चुनिस्ट बन जाऊं कि तुरंत लौटकर और उसी उन्हीं की धर्मपत्नी के विरुद्ध चुनाव लड़ू यह मेरी अंतरात्मा नहीं मानती मैं क्षत्रिय हूं जी। पर हां चुनाव का परिणाम कुछ भी हो फिर पार्टी को मेरी जरूरत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा आपकी शरण में आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगा मैंने अपना वचन जी और फिर मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उस समय जो माहौल था उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता करना चाहता आपको शायद ये पता होगा आपका चैनल उस समय नहीं था लेकिन सबसे बड़ी रैली अगर हिमाचल में हुई थी तो मोदी जी की रैली कुल्लू में हुई थी और मेरी सीट के बारे में कोई स्वपन भी नहीं ले सकता था कि मैं हार जाऊंगा और किन मित्रों ने मेरे विरुद्ध काम किया भले ही पार्टी ने उनको पुरस्कृत कर दिया लेकिन सत्यता सारा क्षेत्र जानता है ये मेरा राजनीतिक इतिहास है जी। और संक्षिप्त सा है मैं तीन बार चार बार विधायक तीन बार लोकसभा का सदस्य जी। एक बार राज्यसभा का सदस्य ऊपर से पार्टी का एक दफा विधायक दल का महामंत्री फिर पार्टी का महामंत्री उसके बाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक रह, रह चुका हूँ अब मेरी आयु सत्तर वर्ष पूरी हुई है और पैंतालीस वर्ष जो है वो पार्टी के और राजनीतिक अनुभव मेरा है महोदय पैंतालीस वर्ष कोई छोटा एक जो है वो टाइम पीरियड नहीं होता और आपका राजनीतिक सफर वाकई ही बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है और जो राजनीति के क्षेत्र में आने वाले नए हैं उनके लिए वाकई ही बहुत प्रेरणा होने यहाँ से मिल सकती है तो महोदय इसी के साथ मेरा अगला सवाल इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि जब आपकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आप दो में अभी लोकसभा का चुनाव लड़ने जाएंगे और उसके बाद पार्टी ने जो निर्णय लिया कि रामस्वरूप शर्मा जी आज प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच हैं, परंतु फिर भी आप उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जबकि आपकी उम्मीदवार बनने पर मीडिया सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत समर्थन किया था इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर्वप्रथम मैं मतदाताओं का इस मंडी संसदीय क्षेत्र के न केवल मंडी संसदीय क्षेत्र के बल्कि पूरे प्रांत के और मीडिया के जो आप सत्यता लोगों के सामने लाते रहे आपके माध्यम से चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो यह सत्य है कि मुझे सबने कहा मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं जी। और व्यर्थ में झूठ बोलना नरक प्राप्ति के बराबर समझता हूँ जनहित में बोला जाता है कृष्ण भगवान ने भी बोला था बुलवाया भी था उन्होंने तो मैं उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूं जब ये नाम मेरा आया और किन्हीं कारणों से यह कहा जा रहा था कि महेश्वर सिंह को टिकट मिलेगा तो मैंने सर्वप्रथम संगठन से अनुमति ली क्या मैं अपनी बात ऊपर कहूं या ना कहूं अगर आपको रिपीट करना है प्रत्याशी जी। तो एक शब्द नहीं है मेरे पास कहने को यदि आपको किसी और व्यक्ति को आपके ध्यान में है तो भी मैं नहीं कुछ कहूंगा लेकिन उस समय आश्रय जी भी कोशिश कर रहे थे एक तरफ से तो वो अनऑफिशियली घोषित कर रहे थे कि मुझे कहा गया है मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूंगा तो इस बात को लेकर मैंने कहा जब सब कह रहे हैं तो मैं भी अनुमति लेता हूं मैं गया और संगठन के लोगों से अनुमति ली प्रांत के नीचे से ऊपर चला तो उन्होंने कहा हाँ कोशिश करिए कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन फील्ड में जाकर अपने आप को प्रत्याशी मत कहना मैंने कहा मैं क्यों कहूँगा वो प्रथम अधिकार तो रामस्वरूप जी का है मैं नहीं कहूँगा लेकिन जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ इसलिए कह रहा हूं मैंने सीधी बात मुख्यमंत्री जी से की अंतिम क्षणों तक जी। मैंने यही कहा कि भाई निर्णय हो गया है तो मैं घर जाता हूं और पार्टी का समर्थन करेंगे के नहीं बोला ओपन है सब कुछ अब जो टिकट मिला है एक ईमानदार व्यक्ति को मिला है जी। अब पहले उनका अनुभव नहीं था अब यह अनुभव भी हो गया है पांच वर्ष का अब उनके बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला मैंने तो कभी उनका विरोध कहीं किया नहीं है चाहे समाचार पत्र देखिए चाहे कुछ देखिए जैसे ही निर्णय हुआ रामस्वरूप जी घर आए मैंने उनके उनसे कहा कि आपसे मुझे एक कुछ भी कोई कुछ भी आपके विरुद्ध मेरे मन में कोई मलाल नहीं है आपका अधिकार था आपको मिला अधिकार था ये मैं मानता हूँ लेकिन जो मुझे लगातार एक महीने में दौड़ लगानी पड़ी व्यर्थ में उसका गिला तो मैं संगठन और सरकार से करूँगा मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और वो मैं कहने की अब जब मैं सत्तर वर्ष को पहुँचा हूँ और पहले जनता पार्टी और जनता पार्टी के टूटने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी जी। जब दूसरा घर कोई देखा नहीं तो मैं ऐसा ऑपरचुनिटी नहीं हूं कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा पार्टी छोड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और ब, कोई बछड़ा उछले तो समझ में आती है अब बैल होकर उछलना मेरे बस में नहीं है इसलिए मैं गा जा रहा हूँ जितनी मेरी क्षति शक्ति है और जितना लोग मुझे सुनते हैं जाकर निरंतर काम कर रहा हूँ और ये लोगों के लिए कर रहा हूं मैं राजनीति में आया हूं तो मुझे इस मिट्टी से प्रेम है मैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं इसलिए राजनीति से प्रेम है तो मेरे सामने ये भी बात है कि अगर मैं नहीं करता कोशिश तो मोदी जी को वोट कैसे पहुंचेगा जी। आज का चुनाव एक बात को नहीं लेकर है देश की सुरक्षा इससे ज्यादा कौन कर सकता है और फिर मोदी जी का उस समय का वोट एक परिचित आदमी एक वो व्यक्तित्व जो हमारे यहाँ का प्रांत का प्रभारी था सबसे परिचित था बिजली महा तक तक गया हुआ यहाँ कुल्लू के अधिकांश गांव में जाने वाले और परिचित लोग उनके हम भी हैं मेरे बेटे की शादी में पूरे दिन यहाँ बैठे रहे हमारे प्रभारी थे तो ऐसा व्यक्तित्व और फिर जब गुजरात में उन्होंने कुछ काम कर दिखाया तो वो वोट उनका नाम का गया था मोदी लहर में जी। अब का वोट काम का है अब हमको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी को भी हम पूछते हैं क्या वोट किसको दोगे वो कहते हैं मोदी को मोदी मोदी ना केवल यहाँ है सारे देश में तो लोग जब स्वयं कहते हैं और फिर जब हम कहते हैं कि भैया अगर मोदी को देना है तो मोदी का बक्सा तो लगेगा नहीं बक्सा तो यहाँ प्रत्याशी का लगेगा और फिर प्रांत की सरकार भी है प्रांत की सरकार को भी सवा एक साल कहिए अभी आगे तीन साढ़े तीन साल है लास्ट साल तो चलो चुनाव की होती है तो ये इन तीन वर्ष में हमको मैं लोगों को कहता हूँ कि सरकार से काम लेना है और यहाँ का विधायक नहीं है कोई भी मैं हारा प्रति, प्रत्याशी हूं बाकी जगह विधायक हैं उनका दायित्व तो है वो काम करवाएंगे सरकार से मेरा चुनाव के क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ हमको लीड नहीं दे पाए तो सरकार के मन में कहीं खटका रहेगा तो महोदय जो टिकट की बात है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जब ये आ... असमंजस चल रहा था जनता के बीच में कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं तो एक अफवाह उसे कहें ये तो आप ही बताएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कहा जा रहा था कि आपको विपक्ष की ओर से भी टिकट दिया जा सकता है और आपकी मीटिंग्स चल रही हैं इस बात में कितनी सच्चाई है देखिए मैडम एक समय था जी कि पार्टी चाहे हारे चाहे जीते वो अपनी नीति में विश्वास रहने करने वालों को ही टिकट देती थी जी। मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति हूं जीत हार तो माथे में दिखी रहती है लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़नी मैं भले ही एच का गठन किया मैंने आम आदमी वाले भी बहुत कहते रहे मैंने एक ही बात कही बाबा मुझे जिस पार्टी की नीति का मैं व्यक्ति हूं उस नीति में मेरा अटूट श्रद्धा है मैं चाहे घर से बाहर रहूं चाहे घर में आऊं और जिनके साथ कोई नीति नहीं बनती हमारी वहाँ जाना मैं पसंद नहीं करता और आजकल कर, आजकल तो परंपरा है मैं कांग्रेस को मात्र नहीं कहूँगा इस बात को आज सब दल कहते हैं कि विनिंग हॉर्स अगर घोड़ा दौड़ने वाला है तो बैठ जाते हैं ऊपर नहीं तो बोलते हैं घोड़ा खत्म है तो इसलिए ये आए मैं भी अछूता नहीं रहा इस बात से बल्कि इस लेवल में नहीं आए कभी कभी तो एक अखबार ने तो ऐसे ही लिख दिया था कि महेश्वर सिंह का टिकट कांग्रेस में पक्का वो कांग्रेस के हिमाचल के प्रभारी को मिले अरे मैंने तो वो कोई मैडम है मैंने तो उनकी सूरत तक नहीं सामने देखी कभी मिला नहीं ये देवताओं का स्थान में सच्ची सच कह रहा हूँ अरे मुझे जाना है तो मैं ऊपर बात करूंगा मैं इनसे बात करूंगा क्या जी। जो जिनका खुद पता नहीं होता कभी प्रभारी बनते हमारा प्रभारी भागकर देखा आपने कांग्रेस का प्रभारी कांग्रेस का प्रभारी यहां का पीछे वाला वो कांग्रेस में चला गया भारतीय जनता पार्टी में आ गया और चुनाव लड़ा और जीत गया आज जी। वो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का आपको ध्यान होगा और मुझे कहा गया अछूते तो रहते नहीं इस बात से मैंने कहा भैया जब आपकी नीति में विश्वास नहीं है तो मैं आऊं क्यों थोड़ा से स्वार्थ के लिए मैं किस लिया हूं मेरे को मैं आदमी मैंने वीरभद्र जी की तब नहीं मानी जबकि मंत्री बन सकता था तो आज क्यों मानूं और जब हम बछड़े होकर नहीं उछले तो बैल होकर क्यों उछलू जी तो महोदय मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि चुनाव प्रसार जोरों पर है हर जगह हम देख रहे हैं कि और अगर मनाली और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक या दो दिन के अंतराल में यहाँ पर सम्मेलन अच्छा। करवाए जा रहे हैं और हम खास एक चीज देखते हैं कि बहुत लोग भाजपा परिवार में शामिल भी हो रहे हैं तो महोदय इसे हम क्या कहेंगे और साथ ही आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है इस बारे में देखिए जब ये चुनाव आते हैं तो ये हार डलवाने वालों की तो कमी नहीं होती और कुछ लोगों को हार डलवाने का शौक भी होता है जी लेकिन वो पार्टी के संगठन पर निर्भर करता है क्या हमको सबको लेना है या उनको लेना है कि जो दिल से आ रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए सत्ता पक्ष के ओर सबका आकर्षण रहता है तो फिर वो तो संगठन फैसला करता है कि जो आएगा वो लाइबिलिटी पैदा होगा या असट पैदा होगा लेकिन अब ये चलन चला है जैसे ही कोई एक पार्टी अपनी छोड़ता है तो दूसरी जगह से निमंत्रण रात को ही आ जाता है <laughs> तो ये कितनी बार करोगे और एक बात जो कहते हैं वीरभद्र जी उस बात से मैं किसी हद तक सहमत हूँ क्या हम सब अगर आया राम गया राम बन गए तो फिर नीति किस काम की नीति किस काम की फिर तो ये चलता रहना चाहिए जी इतना ही कहूंगा इसके बारे में बाकी तो पार्टी का निर्णय है जी महोदय वाकई आप ये सही कह रहे हैं कि आना जाना तो चुनावों के समय कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है हम भी देख रहे हैं कि सम्मेलन कांग्रेस का हो या भाजपा का उसमें हार डलवाने वाले और हार डालने वाले बहुत हमें ऐसे वाक्य देखने को मिल रहे हैं तो महोदय जब दल बदलने की बात हो ही रही है तो सत्ता पक्ष का जो हम देखते हैं कि भाषणों में भी बात की जा रही है और वाकई जो हुआ भी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आश्रय शर्मा जी अभी अभी उन्होंने भी हार डलवाई है और अब वो प्रत्याशी के रूप में सामने हैं और वो हर मंच पर जाकर कहते हैं महोदय कि सत्ता पक्ष के सांसद ने जो कि इस वक्त उम्मीदवार फिर से हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया वह बिल्कुल इस चीज़ को जुटलाते हैं कि कोई विकास का कार्य हुआ है देखिए आश्रय शर्मा जी क्या कहते हैं जी वो तो एक अलग बात है और वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो आपस में प्रतिद्वंदी हैं जी जनमानस क्या कहता है उसका अर्थ होता है आज देखो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए उनके बारे में कहने में कोई क्षण नहीं वेस्ट करता कह देते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया इन्होंने तो काम ही नहीं किया लेकिन जनता उसको पसंद नहीं करती जो काम किया है उस चीज का श्रेय उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए चाहे वो यहाँ हैं चाहे वहाँ हैं जनता तो देगी ये मैं मानता हूँ कि इनका पहला ये अनुभव है पहला कभी रामस्वरूप जी संगठन में मेरे साथ मंडी जिला में महामंत्री रहे और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था सांसद था तो मंडी में बैठकर हमने साथ काम किया अब यह व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है राजनीति में पंच नहीं बना पहली बार मोदी लहर में प्रधान अपनी लोकसभा में पहुंचा तो निश्चित रूप से अनुभव की कमी के कारण कुछ कमियां सब में रहती है पूर्ण ब्रह्म तो संसार में कोई भी नहीं है पूर्ण ब्रह्म कोई नहीं है वो तो ब्रह्मा ही है जिसने माँ की कोख कोख में जन्म लिया तो एक ना एक कमी रहती है मुझ में भी कोई कमी रही होगी मैं दूसरों को दोषारोपण करूं कि पिछला चुनाव हार गया तो उस चुनाव से मुझे आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि वो मेरी क्या गलतियाँ थी दोबारा मैं उन गलतियों को रिपीट ना करूँ तो ये तो है संसार में ऐसा नहीं है घूमने में ये सुबह शाम दौड़े लेकिन संपर्क इतना बड़ा क्षेत्र कहीं कहीं छूट गया होगा तो वो तो होता है ऐसा ये तो कोई बात नहीं है क्या और फिर ऐसा है कि जी। जो भी कैंडिडेट आएगा दूसरे की तो आलोचना तो करेगा लेकिन वो जनता की नजर पैनी है वो कितना सच है और कितना झूठ है उसका निर्णय करेंगे वो परखती है परखती है जी सर जैसा कि आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं और प्रतिद्वंदियों के बीच में तो ये चलता ही रहेगा इसी बीच में सर बात करते हैं मैनिफेस्टो की मैनिफेस्टो में सर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हम पहले भी अपने इंटरव्यूज में डिस्कस कर चुके हैं पर अब मैं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का एक जो बहुचर्चित बिंदु है वो है सर उनकी न्याय योजना के तहत बहत्तर हजार रूपए सालाना जो कि वाकई बहुत बहुचर्चित है आपका इस बारे में क्या कहना है देखिए इस इस इनके आश्वासन से कई सवाल उठते हैं जी सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने प्रथम बार ये किसान की सम्मान में एक निधि देने की कोशिश की है और छह हजार रुपया प्रतिवर्ष देने की बात कही है जी। और ये इसमें से चार हजार दो किस्तें तो कई लोगों को मिल भी चुकी है इस प्रांत में भी क्या पहले इस प्रकार का यह था कोई अब जन धन योजना किसने शुरू की प्रधानमंत्री जी उस समय आलोचना के पात्र भी बने और ब्लैक मनी उससे ही निकली है कोई माने ना माने और उसके बाद गरीबों के खाते निकालना आज करोड़ों में लोगों के खाते निकले हैं उन खातों में इनकी योजना थी कि हम पैसा पहुंचाएंगे गरीबों के लिए वो पहुंच रहा है मनरेगा का पहुंच रहा है हर चीज का पहुंच रहा है किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है और इसकी आज वृद्धि की बात करने वालों से एक बात पूछूंगा जब खाते ही ना होते तो क्या आप ये कह सकते थे अगर छ हजार ना मिलता तो बहत्तर हजार की बात कर सकते हैं इनको ये तो मालूम है कि इस बार सरकार मोदी की बनेगी तो कहने में क्या हर जा बोली लगाने में तो कोई हर्जा नहीं है यह सिर्फ बोली लगाने की बात है यहां कुल्लू में एक कहावत है कि दो शिकारी कहीं शिकार करने गए पूरे दिन में कुछ नहीं माना शाम को थके मांधे एक पेड़ के नीचे बैठे आप स्थानीय हैं जिस पेड़ में लोहा लगा दो हम देवता मानते हैं जी तो एक खड़ा हुआ के हे देवता के एक भी घुग्गी इस वक्त मारी जाए तो तेरे को जोड़ी बकरे दूंगा दूसरा उठा कि भले आदमी एक गुग्गी के पीछे दो बकरे देना कहीं वो मारी गई तो फिर वो बकरे महंगे कि ये गुग्गी महंगी है कहता है यार चुप रह तू ये देवता ना सुन ले एक दफा गुग्गी मर जाए फिर देखेंगे देंगे या मर नहीं देंगे बहत्तर हजार उस देने की बात कही है ना दे तो नहीं दिया जब सरकारी नहीं बननी जब नोमन तेल नहीं जलेगा तो राधा नाचेगी नहीं कहने में क्या अर्जा है जी। देने और कहने में बड़ा अंतर है जी और कांग्रेस इस प्रकार के जो वायदे करती है वो इनकी पुरानी आदत है तो महोदय का इस पर कहना है कि ये प्रलोभन मात्र है प्रलोभन मात्र जी मोदी तो इसी बीच एक और हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे वो है सुरेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मैं केवल इतना कहूंगा जी कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर बहुत वर्षों से थे रहे, रहे थे और वह भी पार्टी के अध्यक्ष रहे दो बार सांसद रहे और विभिन्न पदों पर भी रहे संगठन में भी उन्होंने भी मेरी तरह प्रयास तो किए थे मेरे प्रयास में और इनके प्रयास में इतना अंतर था मैंने अनुमति लेकर किए थे और उनका मुझे मालूम नहीं उनको क्या पार्टी ने कहा यह भी मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है लेकिन मैंने एक दिन जरूर चर्चा की थी कि अब हम लोग ऐसी जगह पहुँचे हैं कि हम इधर उधर जाना ठीक नहीं है अपने यहाँ जो बात करनी है गिला करना है शिकवा करना है वो तो करेंगे और फिर जब मुझे पता हो गया कि टिकट अब रामस्वरूप जी की घोषणा हो गई तब भी मैंने उनसे बात की मैं कब विचार वो गए भी थे अध्यक्ष जी के पास बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम लेकिन अंतोगतवा तो देखिए उनकी हालत कांग्रेस ने क्या की पहले तो तैयारी करवा दी कैंडिडेट बना दिया सब कुछ कर दिया और उसके बाद फिर उनको कितनी दौड़ें लगानी पड़ी और क्या हुआ अंतोगतवा तो के ना टिकट मिला फिर भी वो कांग्रेस में चले गए तो अब तो वो जाने क्यों ऐसा किया लेकिन ये चीज़ उन्होंने इसलिए कोशिश की थी कि शायद पार्टी मेरी बात मान ले तो पार्टी ने नहीं माना उसके बाद वो जाने के क्यों ऐसा किया लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा ये आना जाना आज एक रिवाज बन गया है अब आश्रय जी ने भी तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रयास किया था जैसा मैंने कहा ये कोई कभी कभी जो ये आने जाने वाले हैं ना तो एक बात तो हुई है कि जैसे कहा जाता न गाना गाते हैं काशी देखी मथुरा देखी देखे तीर्थ सारे कहीं ना मन का मीत मिला फिर आ गया तेरे द्वारे जी ये तो मैं आश्रय जी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मूल रूप से वो कांग्रेस परिवार से हैं सर आने जाने की हम बात कर रहे हैं और आश्रय शर्मा जी की बात कर रहे हैं तो उनके पिताजी अनिल शर्मा जी उनके पास अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है पर वो फिर भी प्रचार प्रसार में आगे नहीं आ रहे हैं उनकी असमंजस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अब उनके मन में क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं लेकिन जहां तक वो दल बदल का कानून है जी उसमें यदि कोई व्यक्ति किसी दल विशेष के सिंबल पर चुनाव लड़ता है और फिर उस पार्टी के विरुद्ध जी काम करता है तो फिर उसको पार्टी से एक्सपेल किया जाता है एक्सपेल करते हैं तो सदस्यता नहीं जाती जी ठीक है और फिर अगर ज्यादा कोई गतिविधि करता है तो फिर सदस्यता भी समाप्त हो जाती है फिर इलेक्शन लड़ना पड़ता है वो विधायक भी नहीं रहते अब मुझे लगता है कशम कश इसमें है कि पहल कौन करेगा त्याग पत्र दे तो सदस्यता गई पार्टी एक्सपेल करे तो सदस्य बचती अब मुझे लगता है इतना ही है। जहां तक पिता पुत्र की बात है जी जब मैं पार्टी में हूँ मेरा कोई रिश्तेदार दूसरे दल में चले जाए तो या तो मुझे समर्थन करना है या तो ओपनली मुझे उसका विरोध करना है जी। हमने कर दिखाया है अब ये आजकल बहुत कुछ है फेसबुक है सब कुछ है मोबाइल है कई माध्यम है अगर अंदर अंदर मदद कर रहे हो तो एक्सपल्शन से तो बच जाएंगे जी ये तो इतना ही लगता है मुझे बाकी तो उनका मन क्या कहता है पता नहीं लेकिन पिता पुत्र अलग नहीं हो सकते जी सर जी सर सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि पिता पुत्र अलग नहीं हो सकते वो तो सर अब 19 मई को मतदाता फैसला कर ही देंगे कि, कि किसके हक में अगले पांच साल वो प्रतिनिधित्व दे तो देखना चाहते हैं राजा होने के नाते जनता से ये अपील जरूर करे कि वह मतदान जरूर करे देखिए ये तो मैं अपील करूंगा ही जी पर ये जो राजा शब्द का उपयोग आप मेरे नाम के बार बार कर रहे हैं क्षमा करो कि इसको ना करिए देखिए मैं ऐसे परिवार से हूं जहां स्वर्गीय राजा जगत सिंह ने जो मेरे पूर्वज थे जी। उन्होंने सोलहवीं सदी शताब्दी में राजपाठ छोड़कर रघुनाथ जी की चौकीदारी की है छड़ी बरदार आज भारतीय जनता पार्टी बड़े कह रही है कि भाई सब आप चौकीदार हैं तो मेरे पूर्वज तो उस वज से चौकीदारी करते आए रघुनाथ की हम तो उनके छड़ी बरदार हैं कुल्लू का राजपाठ तब समाप्त हो गया जब राजा जगत सिंह ने संकल्प लिया और लघुनाथ जी के छड़ी बरदार बने आज उसी छड़ी को उठाने वाले राजा कहाँ रहे जी। तो हम तो चौकीदार हैं ये एक जरूर है कि जैसे नेगचारी ख़त्म हो गई आज भी कुल्लू में नेगी का बच्चा नेगी है वजीर खत्म हो गए विष्टों के बच्चे सब वजीर हैं वैसा ही मैं भी राज खत्म हो गया नाम दगा हुई ये दुम लगी है राजा जहाँ तक अपील की बात है मैं तो यह कहता हूं कि यह भी एक राजनीतिक क्षेत्र का महाकुंभ है जिस आदमी ने इस कुंभ में स्नान नहीं किया जिस मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो फिर सब कुछ व्यर्थ है मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और जो नोटा का प्रावधान है मैं इससे सहमत नहीं नोटा देने का अर्थ है किसी को वोट ही नहीं दिया तो फिर वो मतदान थोड़ी हुआ और जो मतदान का प्रतिशत है उसमें नोटा भी शामिल है और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नोटा क्योंकि हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था पार्टी तो पसंद थी इसलिए नोटा दे दिया अरे तुमने उसका हराने का इंतजाम तो कर दिया फिर पार्टिसिपेट कैसे नहीं किया तो ये नोटा शब्द जो है है तो प्रजातांत्रिक इलेक्शन कमीशन ने रखा है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं हार और जीत तो इसी पर होती है नोटा पर जी। और कभी कभी लोगों को लोग उकसाते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करो और जो उकसाते हैं बोली भाली जनता को वो महापाप करते हैं जी। उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए अरे नहीं आपको पसंद है आप विरोध में वोट दो दे तो दो ये नोटा और इलेक्शन बाइकॉट ये इस महाकुंभ में नहीं होना चाहिए जी मैं अपील करता हूँ सबसे कि अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो अपने मतदान का पक्ष में या विरोध में निश्चित रूप से दें और ये प्रजातंत्र है आप स्वतंत्र हैं किसी को भी वोट दें तो महोदय जैसा कि आपने कहा कि आपके नाम के आगे राजा लगाने की बात है तो महोदय लोगों का आस्था और प्यार है वो तो वो अपने हिसाब से प्यार से जो पुकारना चाहे वो पुकार सकते हैं और वाकई अगर हम अपनी बात भी कहें तो आपको हमें इसी नाम से पुकारना अच्छा लगता है तो और महोदय हमारे दशहरे के दौरान आपके सुपुत्र दानविंद जी से भी बात हुई थी और उन्होंने भी वहाँ पर जब हम उनसे बात कर रहे थे तो थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हमने दशहरे के बारे में उनसे ली थी परंतु सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहीं के होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें नहीं जानते और ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी हमें दी उन्होंने आपके बारे में बताया उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भगवान रघुनाथ जी का कारदार हूँ और उन्होंने जिस जनता को शायद ये समझ नहीं आएगा कि कारदार क्या होता है उन्हें भी ये जानकारी मिली कि देवी देवताओं का सम्मान जो संभालते हैं भंडारी उसे हम कारदार कहते हैं तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताया तो महोदय आपसे रूबरू होते रहेंगे इसी प्रकार की विस्तृत चर्चा आपसे होती रहेगी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के मेहमान बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम एक बात से फिर करने को अब मैं मेरा मन कह रहा है जी के जो रघुनाथ जी की बात है एक बहुत बड़ा विषय है जी। हमारी देव संस्कृति है एक बहुत बड़ा विषय है कारधार कौन भंडारी कौन ये सब देवताओं की व्यवस्थाएं और ये जो जो ये व्यवस्था है ये कायम रहनी चाहिए जी। और चार वर्ण इसके अभिन्न अंग हैं और सबके काम बांटे चाहे कोई दलित समुदाय का व्यक्ति है चाहे कोई राजपूत है कोई ब्राह्मण है और चाहे कोई वैश्य है सबका अपनी अपनी ड्यूटी है जी। और ये जब तक ये भाईचारा बना रहेगा जब तक ये समन्वय बना रहेगा तब तक हमारी देव संस्कृति जीवित रहेगी जी। ये बैठक है यहां पर कई रूढ़िया हैं जी। और रूढ़ी हैं लोग कभी अपने जो हमारे चार वर्ण हैं उसमें आपस में मतभेद है जी। लेकिन जिस कमरे में आप बैठे हैं ये हमारा घर है जी। दलित समुदाय के लोग तक यहाँ आते हैं जी राजनीति के लिए नहीं हिड़म्बा भी यहाँ आती है तो उनके गुर जो दलित समुदाय के लोग हैं उस इस कमरे में आते हैं जी इससे बड़ा समन्वय की क्या चीज होती है आप देखिए मेरी पांच कुल देवी है पांच कुलदेवियों के पास सबके पास गुर के रूप में दलित हैं जी अगर उस समय राजा चाहते तो यह भी कह सकते थे कि भाई दलित कोई गुर नहीं होगा जी जब हमारी कुल देवियों के ये दलित समुदाय के गुर हैं और जब बाल काटते हैं तो घंटी वो पकड़ते हैं बच्चे का मुंडन संस्कार के किए वो बाल उनके हाथ में हम सौंपते हैं इससे बड़ा भाईचारा कहाँ है तो इसको कैसे जीवित रखना केवल खाने पीने से प्यार नहीं बढ़ता जी व्यवहार से प्यार बढ़ता है महोदय हमें ऐसी चर्चा भी आपके साथ हाँ इसको अलग से करेंगे ये जो राजा शब्द है जी। इसको लेकर मैंने उन्नीस में बहुत भूखता मेरे विरोध कोई विरुद्ध और तो कुछ बोलने को था नहीं ये राजा शब्द था कि महेश्वर सिंह राजा का बेटा है उसकी प्रौल में जाओगे तो कुत्ते स्वागत करेंगे पहले फिर वो कब कहेंगे कि वो नहारे हैं पूजा में इसमें व्यस्त है उसमें व्यस्त है दलित को तो छोड़ के अंदर आने का भी अधिकार नहीं है ये करते थे जी। तो मैंने कहा फिर कि मैं मुझे लगता है कि लोगों का समर्थन तो मुझे प्राप्त है लेकिन ये राजा शब्द मेरी कहीं गले की फांस ना बन जाए तो मैं एक उदाहरण देता था कि एक बार गीदड़ इकट्ठे हुए उन्होंने कहा हमको भी अपना राजा चुनना चाहिए अगर जंगल का राजा शेर है तो हम भी अपनी ज, जमात के तो हो ही सकते हैं तो फिर चुना गया कहा इसकी पहचान क्या होगी बोला एक लकड़ी इसकी धूम में बांध दो उसके बांध दिया उस पर शिकारी आ गए सारे गिदड़ भाग गए वो तो अपने अपने बिलों में घुस गए नहीं तो मैं भी मरा। <laughs> <laughs> आप, आप, जी सर जैसा कि आपने अभी राजा साहब के बारे में जो मैंने बात कही थी उस पर आपने कहा कि ये जो राजा शब्द है परंतु सर कहते हैं ना कि आपके व्यक्तित्व में वो बात झलक की जाती है जिससे हमारा आस्था और प्रेम आपको राजा पुकारता है सर लोग क्या कहते हैं आपके राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्यास लगाए जाते हैं क्या आरोप लगाए जाते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता आप राजा साहब हैं और हमारे लिए हमेशा रहेंगे तो महोदय आज इस विशेष चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही एक बार फिर से आपसे जरूर मिलेंगे और बहुत सी जानकारियां अभी हमें आपसे लेनी है निश्चित रूप से चुनाव समाप्त होने के बाद आपका स्वागत है लंबी चर्चा करेंगे देव संस्कृति पर जी। कैसे अगली बार एक ऐसी ही प्रतिनिधि के साथ आपके समक्ष होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत आप अपने वीडियो सवाल हमें भेजते रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और हाँ ये जरूर सुनिश्चित करें कि मतदान जरूर करें अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करें और 19 मई को अपने मतदान केंद्र जाकर मतदान करें जल्द ही आपसे फिर से होंगे रूबरू अभी हमें दीजिए इजाजत जय हिंद जय हिमाचल नमस्कार